तो हेलो दोस्तों, यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरीके से इमोजी रिमूव करने के बारे में कि आप भी जो है अपनी फोटो से जो है किस तरीके से इमोजी रिमूव कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप वगैरह पर, इंस्टाग्राम या फिर आदि पर जो है स्टेटस लगाते हैं और उस स्टेटस में कुछ इस तरीके से जो है किसी लड़की के फोटो के ऊपर से जो है इस तरीके से इमोजी ऐड कर देते हैं और उसे जो है हम पहचान नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस इमोजी को हटाना चाहते हो और उस लड़की को या फिर उस व्यक्ति को पहचानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से जो है फेस के ऊपर से जो है आप आसानी से इमोजी को जो है रिमूव कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है सारा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर से कर देना। सो दोस्तों, यार इसे करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करके दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ, पिक्सल लैब नाम का एक एप्लीकेशन है। इस वाले एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। मैंने सिंपली इसको डाउनलोड कर रखा है। तो डाउनलोड करने के बाद अब आपको इसको जो है ओपन कर लेना है। वीडियो को आपको पूरा देखना है तभी जो है आपको समझ में आएगा किस तरीके से करना है, वरना आप जो है नहीं कर पाओगे और आप बाद में कमेंट करोगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिस फोटो को यहाँ पर रिमूव करना चाहते हो सिंपली आपको यहाँ पर जो है फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं भी जो है यहाँ पर से उस फोटो को यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से और आपको जो है आगे का प्रोसेस यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। सो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पर जो है रिसाइज इमेज पर आना है और यहाँ पर से जो इसकी साइज को जो है कुछ इस तरीके से जो है एडजस्ट कर लेना है। तो मैं अभी यहाँ पर जो है एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से जो आपको अपने फोटो को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली इस वाला आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इरेजर कलर, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आपको सिंपली इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है इसे बड़ा होना है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर बढ़ाते हैं तो आपका जो है रिमूव नहीं होगा। तो सिंपली आपको इस वाला आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है कलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है किस कलर को आप रिमूव करना चाहते हैं और आपको यहाँ पर जो है राइट वाले पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से जो है हमारे सामने जो है हमारा इमेज जो है रिमूव हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो है हम बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इमोजी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो यहाँ पर जो है रिमूव हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पर कम करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इमोजी आ जाता है और जैसे इसको बढ़ाता हूँ तो इमोजी जो है गायब हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो आपको इसको बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद जो आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन बंदा है या फिर कौन बंदी है जिसका यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। इसको करने के बाद एक आसानी से जो है आप किसी भी लड़की या फिर किसी भी व्यक्ति के जो है फोटो को आप यहाँ पर पहचान सकते हो और उसको सिंपली आपको यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पर जो है सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर जो क्लिक करके दिखा देता हूँ और अभी जो है अपना फोटो किस तरीके से आया वो भी आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। सिंपली हमारा फोटो यहाँ पर सेव हो चुका है। सेव होने के बाद जो सिंपली आपको जाना है फोटोज़ में और यहाँ पर जो भी मैं आपको जो है एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। हमारा फोटो कुछ इस तरीके से था और हमने जिसे रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद जो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो हमारा फोटो का जो है इमोजी रिमूव हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप भी जो है बड़ी आसानी से जो है अपने फोटो का इमोजी रिमूव कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।